हेलो एंड वेलकम टू डेली अफेयर्स। तो जैसे कि मैं गंगा रिवर सिस्टम कवर कर रहा था और इसमें मैंने बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज को कवर कर रहा था, तो आज मैं कवर करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है गंडक रिवर। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसकी ओरिजिन, इसका कोर्स, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है इसकी और कौन से मेजर डैम्स में बने हैं और कौन से नेशनल पार्क इस पे सिचुएटेड हैं, कौन से माउंटेन इस पे इस बेसिन पे बने हुए, तो सब कुछ हम लोग जानेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लाया हूँ। आप लोग को बताना है वाल्मीकि नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। वाल्मीकि नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये है आपके ऑप्शन, आपको बताना है इसका सही आंसर। और इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गंडक रिवर। अगर हम गंडक रिवर की बात करें तो इसको हम लोग गंडकी और नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं। ये एक लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी मैंने बताया था जो कि नेपाल तरफ से आती है और फिर गंगा से मिलती है, तो वो हो गई लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 814 किलोमीटर और इसकी जो टोटल बेसिन एरिया है वो है 46,300 स्क्वायर किलोमीटर। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है कौन से स्टेट के लिए, बिहार। ये बिहार के लोगों को बहुत ही लार्ज स्केल में पानी देती है, वहाँ के इंडस्ट्री इस पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है बिहार के लिए। अगर हम इस नदी की बेसिन की बात करें तो इस नदी के बेसिन पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, जैसे कि धौलागिरी माउंटेन, यहाँ देख पा रहे कितना सुंदर माउंटेन है, पूरा एकदम बर्फ़ से ढका हुआ, बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। और ये लोकेटेड कहाँ है, नेपाल में लोकेटेड है ये धौलागिरी माउंटेन, नेपाल में लोकेटेड है। इसकी जो टोटल हाइट है वो है 8,172 मीटर और ये बहुत ही ऊंची चोटी है और ये दुनिया की सातवीं सबसे हाईएस्ट पीक है, सातवीं सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की। और भी माउंटेन जैसे कि माउंट मनासलू, ये भी एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी चोटी है जो कि इस नदी के बेसिन पर लोकेटेड है और इसकी जो टोटल हाइट है वो है 8,156 मीटर और ये है 8th हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो वो थी सातवीं और ये है आठवीं सबसे ऊंची चोटी किसकी, वर्ल्ड की। और भी माउंटेन जैसे कि अन्नपूर्णा वन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक है, आपने इसका नाम सुना ही होगा। और इसकी जो टोटल हाइट है वो है 8,091 मीटर जो कि दुनिया की 10वीं सबसे हाईएस्ट चोटी है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये 10वीं चोटी है सबसे हाईएस्ट, तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि दुनिया की 10वीं सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा माउंट अन्नपूर्णा वन। तो अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है नुबिन हिमल ग्लेशियर जो कि नेपाल में स्थित है और ये कितनी हाइट में स्थित है, 6,268 मीटर, जो लोकेटेड है कहाँ पर, मस्टैंग डिस्ट्रिक्ट नेपाल में। तो ये मस्टैंग डिस्ट्रिक्ट है नेपाल में, या मुस्टैंग जो बोलिए एक ही बात है। तो ये इस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये ग्लेशियर नुबिन हिमल ग्लेशियर, जहाँ से ये गंडक रिवर स्टार्ट होती है फ्लो करना। फिर इस ग्लेशियर से निकलने के बाद ये जाती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में और एंटर करती है इंडिया में, कहाँ पे, बिहार में। और फिर उसके बाद ये बिहार और यूपी बॉर्डर के अलोंग बहती है और उसके बाद ये कहाँ पे मीट करती है गंगा को, पटना के पास एक जगह है वहाँ पे जाके वो गंगा से मीट होती है। यहाँ देखिए इसका कोर्स, ये देखिए यहाँ से ये नेपाल से शुरू होती है, इस जगह से ये शुरू होती है, उसके बाद ये नीचे आती है, फिर ये बॉर्डर यूपी और बिहार के बॉर्डर के अलोंग जाती है, फिर ये बिहार घुस जाती है, उसके बाद ये पटना के पास आके गंगा पे मिल जाती है, यहाँ देख पा रहे हैं अब। तो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है इसकी त्रिशूली, गंडकी, बूढ़ी, माड़ी, फिर शेरी गंडक, काली गंडक, तो ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी है। और इसकी जो राइट ट्रिब्यूटरी वो है बड़ीघाट रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है और एक ओनली राइट ट्रिब्यूटरी है इसकी बड़ीघाट रिवर। इस पे बहुत सारे मेजर डैम्स बने हैं, जैसे कि त्रिशूली डैम जो कि 21 मेगावाट बिजली देती है, देवीघाट डैम, पोखरा डैम, वेस्टर्न गंडक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, फिर मरश्यांगडी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये बहुत ही बड़ी है, 69 मेगावाट बिजली देती है ये। और ये काली गंडक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो 144
मेगावाट बिजली देती है, और ये शियांग डैम जो कि 2 मेगावाट बिजली देती है। तो इस पे अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो इस पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क लोकेटेड है। एक तो है चितवन नेशनल पार्क, और ये नेशनल पार्क कहाँ पे, ये नेपाल में लोकेटेड है, नेपाल के सदर्न पार्ट में ये लोकेटेड है चितवन नेशनल पार्क। और आपको ये पता होना चाहिए नेपाल की ये पहली नेशनल पार्क है जो कि इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1973 में, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी गिनी जाती है। और इसे कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया था, 1984 में इसे वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया था। और अगर हम और एक नेशनल पार्क की बात करें जो कि इंडिया में लोकेटेड है, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये बिहार में लोकेटेड है। मैंने आपसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था, तो आंसर मैंने आपको यहीं बता दिया। तो ये वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, बिहार में। तो ये वाल्मीकि नेशनल पार्क में एक टाइगर रिजर्व भी लोकेटेड है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो तीनों यहाँ एक ही एरिया में है, एक ही को पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, फिर नेशनल पार्क बनाया गया, उसके बाद इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो इसमें बताया जाता है टोटल 40 टाइगर्स हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो पीला कलर में यह है टाइगर रिजर्व, और ये जो ग्रीन में है यह है नेशनल पार्क। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, अब शायद आप इसका आंसर जरूर दे देंगे, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। तो बिहार में ये वाल्मीकि नेशनल पार्क लोकेटेड है। थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।